अरफा आज जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुसल्ला अफवाज के गाजी और शहदा को कौम का सलाम। मजार कायद में गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के कैडेट्स ने मजार के गार्ड्स के फराइज संभाले। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ की शिरकत। मजार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा पढ़ी। भारत पाकिस्तान के अंग को तहबाला करने की कोशिशों में मसरूफ है। दुश्मन हमारे खिलाफ हमेशा से प्रोपेगेंडा करता चला आ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक कार्रवाई से भारत का असल चेहरा बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम, कहा आम का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का यूएन करारदादों के मुताबिक हल है। तालिबान पंजशीर के मरकज में दाखिल, बेशतर इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। शुमाली इत्तेहाद के कमांडर अहमद मसूद तालिबान से मुज़ाकरात पर तैयार। ग्रुप ने फेसबुक पेज पर ऐलान कर दिया। कोरोना वबा की शरह 26 से कम होकर 6 से 7% हो गई। सिंध में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बरतानिया ने अभी तक पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ है। बरतानिया पाकिस्तान के कोरोना आदाद शुमार से मुतमईन नहीं। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद जारी। एक दिन में मजीद 57 मरीज जान से गए। 3613 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। और टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शहरियों की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल। वज़ीर खेल पंजाब राय तैमूर ने गुलदस्ता पेश किया। हैदर अली डिस्कस थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं।